सॉरी कहते हो? सॉरी नहीं कहते तो तुम सॉरी क्यों नहीं बोलते? मुझे शर्म आती है। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बच्चों की साइकोलॉजी से रिलेटेड, कि वो बिहेवियर उनका किस तरह से होता है, क्यों होता है जब पेरेंट्स उन पे चिल्लाते हैं या बोलते हैं या कितना गुस्से में वो। कभी कभी आपने देखा होगा आपके बच्चे को लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ, वो पेरेंट्स के पास आता है। कभी कभी होता है पेरेंट्स शाउट करते हैं, उनको रियलाइज होता है कि नहीं मैंने गलत शाउट किया या गलत मिसबिहेव कर लिया बच्चे के साथ। तो इसको आज हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो कभी ऐसा हुआ है शिवम कि आपके पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने डांटा आपको और आपको लगा कि नहीं, उस समय आप गुस्से में चले गए, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं गलती मेरी है, फिर आप गए हो सॉरी बोला हो या वहां जाके खड़े हो जाते हो कि मतलब पेरेंट्स मान जाएं, ऐसा होता है आपके साथ? तो किस तरह से आप कन्विंस करते हो पेरेंट्स को कि मतलब वो मान जाएं? सॉरी बोलने का मन होता है, नहीं बोल पाते, या कैसे आप डील करते हो? मतलब कैसे बड़े जब चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं तो बच्चे वही सीखते बड़े होके। मतलब कैसे अपने बेटे में यही शाउट करेंगे, क्यों मतलब कैसे आप बोल रहे हो शाउट करके चिल्ला के, मतलब कैसे प्लेट गिर गई ठीक है तो उसमें आप चिल्ला के बोलते हो शाउट करके, तो मतलब वो बच्चे समझते इतनी छोटी गलती में इतना शाउट, मतलब उनको लगता है कि इतनी छोटी सी गलती है और इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं। तो उस समय क्या करने का मन करता है? उसमें मन करता है गुस्से में जाके अकेले लेट जाओ, गुस्से में जाके अकेले लेट जाओ। उसका फील होता है मेरी ही गलती थी। क्यों फील होता है? मतलब लगता है कि प्लेट गिर गया इसलिए पापा ने डांटा या मम्मी ने डांटा, ऐसा लगता है कि मेरी गलती थी, गलती से गिर गया? चलो ठीक है, अगर मान लो उस समय तुम्हें फील हुआ या रियलाइज हुआ कि मेरी गलती है, तो तुम क्या करना चाहते हो, क्या करते हो? मतलब कैसे मुझे रियलाइज हुआ मेरी गलती है इसमें, ठीक है, तो मतलब पेरेंट्स के सामने जाके कहते सॉरी। सॉरी ये कहता नहीं, वो जल्दी नहीं कहता, बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि सॉरी कहता है। तो कैसे डील करते हो, मतलब कब लगता है कि अब पेरेंट्स मान जाएंगे या क्या करूं कि उनको लगे नहीं ठीक है मेरी गलती है सॉरी है, वो कैसे लगता है? तो लगता है पेरेंट्स, मतलब इसे पेरेंट्स खुद ही मान जाते हैं आधे एक घंटे में शांत हो गए। ये बात हकीकत है कि बच्चे जब सैड होते हैं या फिर रोते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ठीक है जाने दो बच्चा रो रहा है। बट मुझे ये जानना है कि बच्चे कैसे डील करते हैं कि ठीक है मेरी गलती है, पापा या मम्मी को कन्विंस कर लूं, कैसे तुम करते हो कि चले जाते हो? बच्चों को करने की जरूरत नहीं होती, अब पापा आधे घंटे खुद ही शांत हो जाते हैं, मतलब आपसे बातें करने लगते हैं। तुम्हें पता है कि पापा मम्मी मान जाते हैं, ये है बच्चों का सीक्रेट कि उनको पता होता है कि मेरी कितनी बड़ी भी गलती हो लेकिन मम्मी पापा मान जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। अच्छा कभी होता है कि वो कन्विंस नहीं हुए फिर कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी या बदतमीजी कर दी, और तुम्हें पता होता है कि वो नहीं मानेंगे क्योंकि मैंने बड़ी गलती की, ऐसा लगा कभी? नहीं लगा कभी, ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं करी? तो बच्चे सॉरी बोलते क्यों नहीं? जैसे कुछ बच्चे हैं सॉरी बोल देते हैं, तो बच्चे सॉरी क्यों नहीं बोलते? जैसे तुम सॉरी क्यों नहीं बोलते? मुझे शर्म आती है। सॉरी बोलने में शर्म आती है क्यों? उससे क्या लगता, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब क्या रेपुटेशन डाउन हो जाएगी या इंसल्ट हो जाएगी? पेरेंट्स वो सॉरी बोले क्यों? इसलिए पेरेंट्स की गलती होती है, क्यों चिल्लाते हो? पेरेंट्स क्यों चिल्लाते हैं इसलिए वो सॉरी बोले। तो तुम्हें जब लगता है कि हाँ मेरी गलती है तब तो तुम्हें बोलना चाहिए ना, तो क्यों नहीं बोलते फिर? इसलिए सारे बच्चों को पता होता है आधे एक घंटे पापा शांत हो गए खुद ही बातें करने लगेंगे, इसलिए सॉरी नहीं बोलते। तो ये सिचुएशन है कि उनको पता रहता है कि पेरेंट्स मान जाते हैं। हकीकत है, ये तो बात सही है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, बच्चों के लिए करना चाहते हैं। तो पेरेंट्स के लिए तुम्हें क्या मतलब, अगर तुमसे कोई पूछे कि अपने बिहेवियर में चेंज लाएं कि बच्चों को अच्छा लगे या बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो, कोई है ऐसे एडवाइस? हाँ, मतलब कैसे बच्चे कहते हैं चेस खेल लो, ठीक है, तो उनको तुरंत खेलना चाहिए, इसे बच्चे का मन है चेस खेलने का पापा के साथ मम्मी के साथ। अच्छा, मतलब बच्चे जब बोले कि पापा या मम्मी मेरे साथ टाइम स्पेंड करो या चेस खेलो या कोई भी इंडोर गेम खेलो, तो उनको तुरंत खेलना चाहिए। हाँ। और नहीं खेलते फिर कैसा लगता है? तो बुरा लगता है, क्यों नहीं खेल रहे? और अगर वो चिल्ला देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, जैसे मैं चिल्ला देता हूँ कभी कभार कि नहीं टाइम किसी वजह से बिजी हूँ। हाँ, तो मम्मी से एक बार पूछ लेता हूँ। और अगर दोनों मना कर देते हैं तब फिर तब तो बुरा लगता है? अकेले खेलते हो? हाँ, ये भी चीजें हैं कि पेरेंट्स के पास कभी कभार टाइम नहीं होता किसी चीज के लिए, तो वो एक कभी कभार वाली सिचुएशन तो ठीक है, बट ऑफन ये देखा गया कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देना चाहते बिकॉज ऑफ द मोबाइल, या फिर वो रील्स चेक करते रहते हैं, शॉर्ट्स में बिजी रहते हैं, किसी भी तरह की चीजों में बिजी रहते हैं, और बच्चे जब उनके पास आते हैं वो कोशिश करते हैं कि आओ पापा मेरे साथ खेल लो, तो वो सोचते हैं कि नहीं ठीक है। और सबसे बड़ा रीजन है आई थिंक ये भी है कि इसी वजह से आज का जो बच्चे जो जनरेशन है वो मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स उनको टाइम नहीं देते हैं,
है ना ये सिचुएशन, अगर पेरेंट्स तुम्हें टाइम दे तो मोबाइल कम करोगे। हाँ, कल डोमिनोज आया था, आप खेलते थे तो उसमें टाइम आधे एक घंटे वेस्ट हो जाता था, तो पूरे दिन पढ़ाई कर लेते थे, डोमिनोज खेल लेते, मोबाइल आधे 15 मिनट। हाँ ये है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है पेरेंट्स की इंक्लूडिंग मी, क्योंकि सिचुएशंस थोड़ी सी क्रिटिकल होती हैं समटाइम्स। तो ये बताओ कि अगर स्कूल में कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि मैम ने डांटा या कोई पनिशमेंट दी या कोई फ्रेंड ने किसी कोई बात करी, तो पेरेंट्स को आके बच्चे नहीं बताते, ऐसा क्यों होता है? इसलिए लगता है पेरेंट्स कुछ कहेंगे नहीं। किसको नहीं कहेंगे? जैसे आपने कोई गलती करी स्कूल में, मैम ने डांटा या किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, तो क्यों ऐसा लगता है कि पेरेंट्स अगेंस्ट हो जाएंगे इसलिए आके बताते नहीं? डर लगता है या वो डर किस चीज का होता है कि क्या करेंगे इस वजह से आगे बच्चे नहीं बताते हैं? सॉल्व नहीं कर पाएंगे बट ये तो होता है ना कि पेरेंट्स को बताने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, होता है ना ऐसा, तो क्यों नहीं बताते बच्चे? बच्चे से नहीं बताते, बच्चे इसलिए नहीं बताते, उनको लगता है बता देंगे उनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अपना शॉर्ट देखेंगे, बिजी हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तुम क्यों नहीं बताते? चलो बाकी को छोड़ो, तुम क्यों नहीं बताते? अगर स्कूल में कुछ भी ऐसा होता है तो सिचुएशन आई होगी, आई एम श्योर कि कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, तो तुमने आके नहीं बताया होगा। हाँ तो मुझे लगता है क्यों मैं परेशान हूँ, दूसरों को परेशान करूंगा। तो प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स से बातें शेयर करने में तो अच्छा रहता है ना कि वो उनको पता रहता है कि मेरा बच्चा कैसा है, मतलब कैसे गलती हुई मेरे साथ। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ मुझे प्रॉब्लम किसी और को दो। अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाए अपने एंड पर, फिर तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ना। हाँ वो तो बताना चाहिए ना। लास्ट में आके बोलता हूँ जब मैं कर ही नहीं पाता सॉल्व, तो मैं मतलब एट द एंड जहाँ तक डील कर पाते हो खुद करते हो। हाँ नहीं देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, सारे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट 5th क्लास तक आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स उस चीज के लिए एक्नॉलेज करते हैं, जानते हैं, तो टीचर्स के भी उसमें कंफर्मेशन में रहता है कि हाँ बच्चों को ये सिचुएशन है, तो पेरेंट्स तुरंत आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डर रहता है स्कूल में भी, बच्चों को भी, जो कलीग्स होते हैं आपके या फिर पीयर ग्रुप जो होता है, जो साथ के बच्चे हैं, तो कभी भी कुछ भी हो पेरेंट्स को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी कुछ कोई लड़ाई किसी से हो गई या मिसबिहेविंग हो गई या टीचर ने डांटा पनिशमेंट दिया, तो आपको आके बताना चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज। स्पेशली गर्ल्स को मैं बोलना चाहूंगा, जो गर्ल्स हैं स्कूल में पढ़ती हैं नर्सरी टू 5th और 6th क्लास, उनके पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो और इतनी फ्रेंडशिप, इतनी बॉन्डिंग बना के रखो कि वो डरे ना आपसे, क्योंकि जब डरने लगते हैं तो बातें शेयर नहीं कर पाते वो। और इस चीज़ का बेनिफिट या तो स्कूल में जो आई थिंक बैड टीचर्स होंगे या जो पीयर ग्रुप्स होंगे या फिर जो भी एक आउटसाइड के लोग होते हैं, वो उस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा जाके पेरेंट्स को नहीं बता सकता। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, और आपने भी टीवी में या न्यूज़ में देखा होगा कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर बच्चे नहीं बताते, और उस वजह से बहुत ज़्यादा एक बहुत आई थिंक बहुत बड़ी क्योस क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि जब कोई गेम तुम्हें अच्छा लगता है, तुम खेलना चाहते हो, ठीक, पेरेंट्स को पता है बहुत ज़्यादा देर गेम खेलना नुकसानदायक है या फिर बहुत अच्छा गेम नहीं है, साइकोलॉजिकल बच्चों को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, आज के टाइम पर गेम भी बहुत अजीब अजीब आ गए हैं, तो ऐसा क्यों होता है जब बच्चों को मना किया जाता है बच्चे गुस्से में आ जाते हैं, जबकि उनको पता रहता है कि ये गेम बहुत अच्छा है बट मेरे लिए साइकोलॉजिकल या मेंटली बहुत अच्छा नहीं है, पता होता है? तुम्हें ऐसा लगता है गेम बहुत ज़्यादा खेलूंगा आंखें कमजोर हो जाएंगी, होता है? तो क्यों ऐसा होता है कि बच्चे क्यों खेलते हैं? उनको सब याद, मतलब गेम, सिर्फ उनको गेम याद आता है और कुछ ही, पढ़ाई पानी कुछ याद नहीं आता, केवल गेम। हाँ केवल गेम। और गेम जब खेल लेते हैं लिमिट कोई होती नहीं गेम खेलने की। हाँ 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे ना। हाँ तो क्यों मोबाइल क्यों नहीं छोड़ना चाहते फिर वो? मतलब कैसे आप आधे घंटे दिए तो उनको लगता है आधे घंटे और चलाऊंगा क्या ही बिगड़ जाएगा, आधे घंटे और चलाऊंगा चश्मे के कुछ हो ही नहीं जाएगा। हाँ ये बात तो है कि टाइम और कुछ करना नहीं, या तो पढ़ना है या तो खेलना है, या तो पेरेंट्स या तो टाइम वेस्ट करते हैं बच्चों के लिए, इसे वेस्ट मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट। हाँ इन्वेस्ट, या तो बच्चे करते हैं वो लगते हैं वो कैसे क्या करेंगे टाइम से, इससे अच्छा मोबाइल ही चला देते हैं। अच्छा मतलब पेरेंट्स जब टाइम नहीं देते तो बच्चे मोबाइल चलाते हैं। मतलब पेरेंट्स क्यों होते हैं लाइफ में? पेरेंट्स इसलिए होते हैं कि वो तुम्हें गाइड कर सके, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके, अगर हिंदी में बोलें, क्योंकि मार्गदर्शन या गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हें पढ़ना क्या है, आगे बनना क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, उसके अकॉर्डिंग वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं बच्चों पे ताकि उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो एक तरह से सेकेंड गॉड होते हैं आप कह लो, कि उनके बिना बच्चे आगे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, होते हैं।
तो मतलब पेरेंट्स बोलना भी सिखाते हैं, स्कूल में ही एडमिशन करवाते हैं, सब कुछ तो वही करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ यही काम होता है ना, सिर्फ ऐसे पढ़ाना, बच्चे कहीं भी जाए घूमे टहले। मतलब कि पेरेंट्स का काम होता है एडमिशन करा दो, और उसके बाद बच्चे चाहे अगर घूमे या कहीं भी जाएं तो फिर पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, अगर वो तुम्हें नहीं रोकेंगे नहीं टोकेंगे तब तुम्हें ये नहीं पता। देखो एक एज होती है, उस एज में बच्चों को नहीं क्लियरिटी होती कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने पेरेंट्स की एडवाइस लें, चाहे पापा हो चाहे मम्मी हो, वो आपको बताएंगे कि क्या चीजें सही है क्या गलत है। और अगर आप बैड एडिक्शन में पड़ जाते हो, कोई गंदी लत हो गई, जैसे गेमिंग, आपके एज में बात करें गेमिंग, आप 5-6 घंटे 7 घंटे खेलते हो, पढ़ने का मन लगेगा नहीं लगेगा, है ना, स्कूल का होमवर्क करना या जो इस एग्जाम आते हैं सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। तो इसीलिए पेरेंट्स होते हैं कि वो बताएं आपको कि कितना गेम खेलना है, कब पढ़ना है, कब उठना है, सारी चीजें जो होती है इसलिए पेरेंट्स मैनेज करते हैं एक सर्टन एज तक। उसके बाद तो बच्चे कुछ समझदार हो जाते हैं, खुद ही टेक केयर करते हैं। फिर पापा या मम्मी गुस्सा रहते हैं ना उस समय, क्योंकि बच्चों को पीटना उनको अच्छा लगता नहीं है, है ना, ये पता है कि नहीं पता है कि पेरेंट्स जब बच्चों को पिटाई करते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, है ना। तो इसीलिए बच्चों को भी नहीं गलती करनी चाहिए, पेरेंट्स भी एक लिमिट में होना चाहिए कि अगर आप डांटते हो तो मैंने देखा है कि कॉन्टिन्यूसली लोग डांटते थे, ये कर दिया वो कर दिया था क्यों किया वो किया क्या, तो आप एक या दो बार बच्चों को डांटने के बाद रुक के उसको समझो कि उसने क्यों किया, और ट्राई टू कन्विंस हिम कि ये चीजें दोबारा नहीं करते हैं, उसको समझाओ कि ये चीजें गुड है बैड है क्यों है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेरेंट्स कहते हैं कितनी बार समझाएं, आपके भी माइंड में होगा कितनी बार समझाएं, तो कितनी बार काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि बच्चों का जो एक माइंड होता है उसकी क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर एक क्यूरियस होता है चीजों को जानने का, तो आपको हमेशा उस चीज को बताना पड़ेगा कि हाँ ये सही है ये गलत है, एक बार दो बार तीन बार चार बार जितनी बार भी, क्योंकि जितनी बार आप उसको समझाओगे वो समझेगा और एक नई लर्निंग होती है कि हाँ मुझे समझना चाहिए, पेरेंट्स मुझे ऐसे समझाते हैं। अब आप अगर शाउट करते हो या पिटाई करते हो लगातार, तो आपके बच्चे भी इस चीज को समझते हैं कि हाँ जब पीटना ही है मुझे तो फिर किस चीज को समझूं मैं, है कि नहीं, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अच्छा स्कूल पेरेंट्स छोड़ने आते हैं वो अच्छे लगते हैं या फिर बच्चे अकेले जाते हैं वो? जब पेरेंट्स लेने आते हैं, पेरेंट्स लेने आते हैं और छोड़ने जाते हैं, पिक एंड ड्रॉप करते हैं ना, या वैन लगवा देना वो अच्छा लगता है? नहीं, पेरेंट्स साथ अच्छा लगता है ना, पेरेंट्स को साथ रखना चाहिए रहना चाहिए, हमेशा बच्चों की केयर करनी चाहिए। अच्छा तुम्हें पापा या मम्मी में से दोस्त अगर बनाना हो कि मतलब हाँ एक फ्रेंड हो जिसे सारी बातें शेयर कर सको, तो ऐसा मन करता है कि कोई एक दोस्त हो पापा या मम्मी में? पापा। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, तुम्हें क्यों पसंद है पापा दोस्ती करना, मम्मी से दोस्ती नहीं हो पाती, बताओ क्यों? इसलिए मम्मी बिजी रहती है सारे काम में सारे के सारे, इसलिए कैसे पापा थक जाते तो लेट जाते, उनके साथ टाइम पास हो जाता है, बोल लेते हो शेयर मतलब, कर लेते बात। अच्छा मतलब पापा के साथ टाइम तुम अच्छा स्पेंड कर लेते हो, ये चीजें तो है, टाइम स्पेंड अच्छा करता है और बातें भी हो जाती, कभी कभार होता है कि इस चीज की वजह से लगता है कि बार बार आके कभी होता है आयरेट भी हो जाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि बार बार आके खेलने का मन करता है बच्चों का, है ना, तुम्हारा भी मन करता है? हाँ मेरे साथ, तो अगर मैं थका होता हूँ तो फिर नहीं खेलता ना, गुस्सा कर देता हूँ ना, नहीं हाँ तुम्हारा नहीं खेलते तो आपके बगल बैठ जाता हूँ, ये चीजें होती है। मतलब अगर बच्चों के साथ टाइम बताना चाहिए, और एक पेरेंट्स में मम्मी या पापा कोई भी हो उसको एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए बच्चों से, ताकि वो शेयर कर सकें बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है आज का पॉडकास्ट क्लोज करते हैं एक अच्छी कन्वर्सेशन में, हेल्दी कन्वर्सेशन भी फॉर पेरेंट्स, और आप इस चीज़ को ध्यान दो कि हाँ कब बच्चों की किस तरह साइकोलॉजी वर्क करती है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर नहीं समझोगे अपने ही बच्चों को तो बच्चे कहीं ना कहीं बाहर से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, और वो चीज़ें बहुत डेंजरस है। आउटसाइड रिसोर्सेज जब आपके बच्चों को इन्फ्लुएंस करती है तो एक एज के बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हाँ तो मतलब कैसे बच्चे बहुत मतलब कैसे पेरेंट्स मार रहे थे बच्चों को, उनको लगता है मैं घर छोड़ के भाग जाता हूँ, घर छोड़ के भाग जाता हूँ, ये मन करता है ना। हाँ तो भागते क्यों नहीं, तो लगते हैं कहाँ जाऊंगा भाग। बच्चों का क्या होता है ये मन में आता है कहीं ना कहीं कि घर से निकल अगर मेरी कोई वैल्यू नहीं। हाँ यहाँ एक अच्छा पॉइंट है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि कितना नालायक है, कि बेकार एक नंबर, कुछ नहीं आता, मोटी बुद्धि है, अकल से मोटा है, डंप। ये चीजें बहुत बुरी होती हैं, पता है बच्चों को कहीं ना कहीं जिनका इंटरनल कॉन्फिडेंस होता है सेल्फ एस्टीम होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि आप लगातार जब बोलोगे ना किसी काम का नहीं है। अब आपका बच्चा अगर एथलीट बन सकता है, आपका बच्चा स्पोर्ट में जा सकता है, आप उसे एक्सपेक्ट करें उसे आईएएस बनना है, नहीं पॉसिबल। जो किसी डिफरेंट फील्ड में एक अच्छा करियर बना सकता है
उसको आप पुश कर रहे हो कि ऐसी डायरेक्शन में जाने के लिए जो कि अच्छी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन एंड योर माइंडसेट आप ट्राई करते हो कि नहीं उसी में जाना सही है, दिस इज द रॉन्ग थिंग। कभी भी सचिन तेंदुलकर एक अच्छा क्रिकेटर है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो पॉलिटिशियन बन जाए? अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ वेस्ट है। एक बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है, किस फील्ड में? क्रिकेट में। तो इस चीज़ को आप समझो कि आपका बच्चा किस चीज़ में बेटर है। हर समय केवल स्टडी में ही पुश करना कि नहीं आपको अच्छा पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, कितने कम नंबर है, कितनी मोटी बुद्धि है, ही इज़ ए डम्प इडियट, बहुत बहुत ही बैड थिंग है ये पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। चलो आज का पॉडकास्ट क्लोज करते हैं। हाँ तुम सब्सक्राइबर के लिए बोलो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब बोलो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई चैनल, अभी एक साथ बोलो, लाइक करें सब्सक्राइब करें माई चैनल। इसलिए कहते हैं ना इंग्लिश की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।